तो चलिए न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा अपडेट मिला है और एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से कॉस्ट्यूम डिजाइनर रुथ ई कार्टर को एक एकेडमी रिवॉर्ड मिला है, जिसमें वो जीत गए हैं और उसमें उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड दिया गया है। और ये ब्लैक पैंथर का सीक्वल के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम बना था, उस कॉस्ट्यूम को उनको लेकर काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला है। कॉस्ट्यूम भी बड़े बढ़िया है, हमको देखने से कभी मिलता नहीं है इस तरीके का कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया है, ये देख के अच्छा लगा। अगला अपडेट है व्हाट इफ का सीजन 2 है। व्हाट इफ का सीजन 2 में ऑफिशियली यहाँ पर मैं सिनॉप्सिस ऑफ काहोरी करके कैरेक्टर है उसको यहाँ पर व्हाट इफ के सीजन 2 में दिखाया जाएगा और ये ऑफिशियल न्यूज़ आई है। और यहाँ पर मैं इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको आपको उसके लिए आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो काहोरी करके जो कैरेक्टर है काहोरी, ये काहोरी कैरेक्टर कौन है, क्या है, क्यों है, पता नहीं। इसके बारे में मार्वल कॉमिक्स में मेरे कुछ कभी देखा नहीं है, इसके बारे में कभी मुझे सुना नहीं है, पता नहीं। मे भी हो सकता है कि ये नेमोर की रिलेटेड कैरेक्टर हो या फिर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड कैरेक्टर हो, देखते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल निकालेंगे इस बारे में, अगर ये गेम में आती है तो डेफिनेटली मेरे को सर्च करना पड़ेगा। अगली अपडेट है एंटमैन द वास्प क्वांटमनिया से। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे लोग एंटमैन द वास्प क्वांटमनिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है बिकॉज ऑफ राइटर डायरेक्टर और जिस तरीके से इन लोगों ने इस मूवी को प्रेजेंट किया है उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है मूवी को 70% ड्रॉप रेट मिला है थिएटर्स में, लोग मूवी देखने जा नहीं रहे हैं और इस जैसे मूवी को तो बिल्कुल भी लोग देख नहीं रहे हैं, व्हाई आई डोंट नो। और पिछले साल और इस साल स्टार्टिंग में, पिछले साल तो बहुत बहुत ख़राब ख़राब मूवी गई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, शी हल्क का सीरीज, मिस मार्वल की सीरीज, मतलब एक के बाद एक मूवी पिटी जा रही है। थॉर लव एंड थंडर वो भी पिटी, उसके बाद में एक और मूवी आई थी मेरे ख्याल से, क्या नाम था मूवी का मैं भूल रहा हूँ, वो भी पिटी। तो ये एक और मूवी है जो पिटी, तो इसका भी बहुत बुरा हाल हुआ और ऑडियंस ने बिल्कुल देखने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो उससे 70% ड्रॉप आया है थिएटर्स में। तो इनका कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और लोग यही बोल रहे हैं कि एवेंजर्स 5 अगर इसी डायरेक्टर को एवेंजर्स 5 बनाने के लिए देते हैं तो सीरियसली एवेंजर्स 5 खतरे में है, लोग यही बोल रहे हैं। तो जो राइटर ने एंटमैन द वास्प क्वांटमनिया बनाई है, कहानी लिखी है, उसी डायरेक्टर को एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी दी गई है लिखने के लिए, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है मार्वल ने। और मार्वल वाले क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फेज़ 1 अच्छा निकला, फेज़ 2 भी अच्छा निकला, फेज़ 3 भी अच्छा निकला, फेज़ 4 और 5 की बैंड लगी पड़ी है, इनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है। अगली न्यूज़ ये है एलिजाबेथ ओल्सन रिटर्न करने वाली है वांडा के तौर पे इन अगाथा कवन ऑफ क्योस, ये कवन ही है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ट्रांसलेट। अरे ऐसा क्या बात, पता नहीं, अब देखते हैं। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर मैं अगाथा का जो सीरीज़ आने वाली है उसमें वांडा वापस रिटर्न करने वाली है और वो दिखने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और हमें यही चाहिए। अगली अपडेट ये है कि मार्वल स्टूडियोज़ में बात चल रही है हॉरर वर्स को लेकर और मार्वल वाले हॉरर में अपनी कुछ मूवीज़ कुछ सीरीज़ बनाने की बातचीत कर रहे हैं या कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मार्वल वालों को भी कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं तुम लोग देख सकते हो द थिंग, जोम्बी आयरन मैन, ऐसे कई सारे यहाँ पर इमेजेस दिखाए गए हैं जो इसके ऊपर मार्वल काम कर सकता है हॉरर जनर में, तो डेफिनेटली मार्वल को कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए।
हमने बहुत सारे मूवीज़ देखे, बहुत सारे फाइट्स देखे, बहुत सारे एक दूसरे को कनेक्टेड वाली मूवी देखी, हमने मून नाइट जैसी यूनिक सीरीज़ देखी, हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जैसी एक कल्चर मूवी देखी, मतलब डिफरेंट कल्चर वाली जो कुछ अमेरिकन या US वालों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, US वाले से थोड़ा हटके है, तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस हमने देखा। तो यहाँ पर मैं ये लोग भी कुछ हॉरर जॉनरा में कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगली अपडेट है द मार्वल्स को लेके। द मार्वल्स करके एक मूवी आने वाली है जिसमें कैप्टन मार्वल, फोटोन, स्पेक्ट्रम और जो मिस मार्वल है, अपनी जो बच्ची वो छोटी वाली मिस मार्वल जिसके हाथ में चूड़िया है, कंगन है, हाँ बस वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है उन तीनों की यहाँ पर मिस मार्वल करके, द मार्वल्स करके यहाँ पर मैं मूवी आने वाली है और इसमें रिसीव पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है उनको। थिएटर के स्क्रीनिंग टेस्ट किए उनने, उनमें उनको काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला है। तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, इसमें पूरा उनका बारे में लिखा हुआ है। मैं भी मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इससे होप तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही होप करता हूँ कि ये तीनों मिलकर कुछ अच्छा कर ले तो अच्छा रहेगा। अगली अपडेट है, यहाँ पर रूमर आया हुआ है मार्शाला जो अली है जो ब्लेड का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, वो मूवी में ब्लेड के स्क्रिप्ट को लेके, ब्लेड के मूवी को स्क्रिप्ट को लेके चेंजेस करवा रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं ताकि उनको मूवी करने में मज़ा आए। और ये रिपोर्ट जो आई है वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि ब्लेड के मूवी के चेंजेस काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे तो उनको ब्लेड का कैरेक्टर निभाने में, उनको दिल से करने में, उस चीज़ को करने में मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा उस कैरेक्टर एक्टर को मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, उतनी मूवी उतना ही उसका बेटर रिजल्ट निकल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं उनको इम्प्रूवमेंट करवाना चाहिए। अगली अपडेट है कैप्टन अमेरिका को लेके। तो एंथनी मैकीस इन्होंने एक चीज़ बोली है कि स्टीव रॉजर्स मरा नहीं है इन MCU, वो फ्यूचर में रिटर्न कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से रिटर्न करेंगे, अपने एज को क्वांटम रियलम से थ्रू पास करवाएंगे, जैसे वो इन्फिनिटी वॉर्स में हुआ था एंटमैन के साथ में, एंटमैन को टाइम वोल्टेक्स में भेजा था और फिर वो धीरे धीरे करके उसकी बड़ी एज हो गई थी, फिर वो छोटा बच्चा हो गया था, फिर काफ़ी ज़्यादा छोटा एज वाला बच्चा हो गया था, तो ऐसे वाली चीज़ें हुई थी। तो ऐसे ही कुछ कैप्टन अमेरिका के साथ में ये लोग करने वाले हैं इन फ्यूचर, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो सीरियसली उसकी एज 110 साल हो सकती है मे बी, और 110 साल होने के बावजूद भी उसको यंगर वर्जन में दिखाया जा सकता है, जैसे कि अभी तो स्क्रीन में देख सकते हो। तो ऐसा ही कुछ अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट वो लोग थोड़ा ट्रिक यूज़ करें तो शायद मे बी हो सकता है कि हमें कैप्टन अमेरिका और भी फ्यूचर के मूवीज़ में देखने को मिले, ये काफ़ी अच्छी बात होगी। अगली अपडेट है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे एक्टर डायरेक्टर यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं और इसके यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे यहाँ पर दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और एक्टर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कास्ट किया गया है जो ज्वाइन हुए हैं, और उनका यहाँ पर मैं नाम लिखा हुआ है और इमेज दी हुई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक और एक्ट्रेस यहाँ पर मैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन में ज्वाइन हुई है, उसका भी यहाँ पर एक्ट्रेस का नाम और इमेजेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है जो कि लास्ट न्यूज़ होगी इस वीडियो की, अगली न्यूज़ ये है कि यहाँ पर हमें मोडॉक का एक कंसेप्ट आर्ट निकाला गया है था अल्टरनेट वर्जन का, जिसमें मोडॉक को ऐसे मच्छर या मक्खी या मधुमक्खी या डिफरेंट टाइप ऑफ कीड़े के टाइप में दिखाया गया है, जिसके उसको गन्स वगैरह मिली है, एक इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, एक हाथ इसका कुछ ज़्यादा ही छोटा है, एक आँख कुछ ज़्यादा ही इसकी बहुत ज़्यादा छोटी है, एक हाथ इसका सर थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर की तरफ है, मतलब अजीब तरीके से इसका डिज़ाइन था कंसेप्ट आर्ट। तो ये मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है, रिलीज़ किया हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, एंजॉय करना करो, लात मारना है लात मारो, आँख थू बोलना है आँख थू बोलो, जो मर्जी करो।